Hello everyone, welcome back to my channel which is Winter Towards My Life. Hoping that you all are really well. So आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ. ये है एक मेकअप वीडियो मेरी मेकअप सीरीज़ की. तो आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो है हॉट रेड चिली लुक. सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हुए हेयर्स को टाई कर रही हूँ. देन आई एम टेकिंग हेयर लैक्मे PA SPF 30++. मेकअप करने से पहले हमेशा SPF लगाएं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. हाँ, SPF कितने लेवल का आप ले रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से देखना है, अपने स्किन के हिसाब से देखना है. और फिर उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट ले. यहाँ पे मैं NYBA की लिप प्लम्बर ले रही हूँ. ये प्लम्बर बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट उसे खाली कर दिया है, ख़त्म होने वाला है. और इसको लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, हाइड्रेशन नहीं होती इससे लिप्स में. देन मैं यहाँ पे NYBA का प्राइमर ले रही हूँ. ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ है. NYBA के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली मतलब आपकी पॉकेट के अंदर आ जाते हैं इजीली, क्योंकि लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप मतलब यूज़ करते हो और वी कांट अफोर्ड दैट. तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये रीजनेबल है ब्रांड. देन लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन अच्छा है, लाइट कवरेज फाउंडेशन है. डेली यूज़ के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी ये फिनिशिंग देता है. पता नहीं चलता कि स्किन में कुछ लगाया है, ऐसा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है. देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से. अगर आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, फेस पाउडर, एनीथिंग जो आपको और आपके हिसाब से सूट करे. देन यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का विंकी आई शेडो पैलेट ले रही हूँ. मेरे पास एक यही आई शेडो पैलेट है और मैंने इसको अभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है. सो हेयर आई एम डिसाइडिंग कि कौन सा शेड लगाऊँ. तो मैं थोड़ा कॉपर और ब्राउन शेड में एक ये शेड ले रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से लगा रही हूँ और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर ले, बिल्कुल लाइट कवरेज. देन इसके बाद मैं चारकोल ब्लैक ले रही हूँ. साइड से इसको हल्के से हाथ से ब्लेंड करते हुए नॉर्मल एक लुक क्रिएट करने की कोशिश की है. देन ये कलर बार का आईब्रो मस्कारा है, बहुत पुराना है ये. ऐसा कोई भी मस्कारा आप ले सकते हैं अच्छे से जो आपके आईब्रोज हैं उनको एक फिनिशिंग देने के लिए. देन ये शुगर का मस्कारा है. शुगर के प्रोडक्ट मैंने रिसेंटली परचेज किए थे और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. मैं एक बार उनके लिए स्पेशली अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी. और ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है. मस्कारा की हमेशा डबल कोटिंग करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा ले रही हूँ. और इसको अच्छे से लगाइए, देखिए कितना अच्छा, मतलब फेक आईलैशेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता है. देन मैं यहाँ पे कलर बार का काजल ले रही हूँ और काजल को अच्छे से लगाएं अपनी आईलिड्स में, लोअर आईलिड्स में, और मैं अपर आईलिड्स में भी लगाना प्रेफर करती हूँ. इससे जो भी आपके आईलैशेस के बीच में अगर गैप्स होता है ना तो वो अच्छे से फिल हो जाता है और बहुत ही स्मूथ लुक क्रिएट करता है. मतलब एकदम स्मोकी सी आईज लगने लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है. एक बार हो जाएगा तो आप देखेगा. देन यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की रेड लिपस्टिक ले रही हूँ. ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, 100 रुपीज़ की इसकी रेंज है और उसके अंदर ये मैट फिनिश देती है. बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है. मैंने इसकी एक पिंक शेड भी खरीदी थी जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उसके बाद. और ये देखिए इतना बोल्ड लुक क्रिएट हो गया जस्ट लिपस्टिक लगाने के बाद ही. देन आई एम टेकिंग हेयर मेबलिन का गोल्डन हाइलाइटर. ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी. अगर आपके पास नहीं है और आपको परचेज़ करना है तो आप ये ले सकते हैं, आपने मेरी काफ़ी वीडियो में देखा होगा. और ये नायका का मतलब नायका पे या कोई भी आप ब्यूटी ऐप में आप देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है.
बस यहाँ पे मेरा मेकअप लुक क्रिएट हो गया है, थोड़ा सा इयररिंग और टचअप और परफ्यूम, दैट्स इट। और यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारा हॉट रेड चिली लुक और विद वेरी मिनिमम मेकअप। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का ये लुक कैसा लगा। So that's it guys for today, and if you like this video please do like, share, comment and subscribe to my channel, or also don't forget to follow me on Instagram which is window towards my life. So bye bye, see you.